गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सेशन का दूसरा टॉपिक हम लेके आए हैं IMET के लिए। तो देखिए, हम पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहले भी बता चुके थे कि IMET क्या होती है और उनमें प्रबंध क्या होता है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे प्रशासन का आशय क्या होता है तथा उसकी परिभाषा क्या होती है। अगर हमें प्रबंध करना है, यदि हमें प्रबंध करना है तो विदाउट प्रशासन या ऑर्गेनाइजेशन बनाए बिना हम किसी चीज का प्रबंध कभी नहीं कर सकते। फ्यूचर में कभी भी हम किसी चीज का प्रबंध नहीं कर सकते। यदि हम प्रबंध करते हैं, मैनेजमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें अनुशासनहीनता हो जाए या अनुशासन ही ना रहे, तो हम कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ना ही हम उसको उत्थान कर सकते हैं, ना ही उसका हम विकास कर सकते हैं, ना ही उसको आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज बिना अनुशासन में वो चीजें नहीं हो सकती। जब अनुशासन होगा या प्रशासन होगा, तभी वो चीजें सफल हो सकती हैं, या अच्छे से चीजों को किया जा सकता है, या अच्छे से चीजें हो सकती हैं। तो देखिए, हम आपको मैनेजमेंट बताए थे, तो मैनेजमेंट में बताए कि मैनेजमेंट एक कला होती है, जिसे हम सारी चीज़ें करते हैं या मैनेजमेंट बनाते हैं। तो उसी तरह हमारा क्या है, प्रशासन है। प्रशासन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे मैनेजमेंट किए जा रहे हैं या जिनका ढांचा बन रहा है, तो उनकी क्या छवि होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि मतलब उनके प्रतिष्ठान में जो हमारा नीति है वो शासन लागू करता है कि भाई इस तरह की नीति होनी चाहिए, ये कार्य होने चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए और ये ऐसे डिफाइन होने चाहिए। अगर इस सबका इन सब सारी चीजों को हम करते हैं, तो जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रशासनिक कार्य सौंप सकते हैं। यानी कुल मिला के कहीं पे भी अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रशासन ना हो, ऑर्गेनाइजेशन ना हो, हमारी संस्थाएं क्या होती हैं, नहीं चल सकती। चलने को चलेगा, लेकिन उसको हम बहुत ही ज्यादा पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जा सकते। क्योंकि जब प्रशासन ही नहीं होगा, तो वहां पे कोई अनुशासन ही नहीं होगा। अनुशासन नहीं होगा तो मैनेजमेंट सही से नहीं होगा। तो इन सब सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट करते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि प्रशासन का आशय क्या है तथा परिभाषा क्या है। कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेफिनेशन। प्रशासन का मुख्यतः कार्य प्रतिष्ठान या उपक्रम की नीतियों का निर्धारण करना, वित्त कामा उत्पादन एवं वितरण में समन्वय स्थापित करना तथा संगठन का क्षेत्र निर्धारित करना। अर्थात प्रशासन का जो कार्य होता है, वो मुख्यतः कार्य प्रतिष्ठान है या उपक्रम है या औद्योगिक है, जो भी हमारे संस्थाएं हैं उनमें जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं। नीतियां को नीति क्या मतलब क्या होता है, जो हमारे आगे करने की नीति होती है, निर्धारण करते हैं कि हमारी इस पॉलिसी पे हमारा ये काम होना चाहिए। जब तक हम उसमें पॉलिसी या नीति अपनी नहीं लगाएंगे, तब तक हम उस संस्था या उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बहुत ऊंची तक नहीं ले जा सकते। इनमें देखिए बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, प्रशासन को हम बनाते हैं तथा जिससे हमारा काम आसान हो जाए। जैसे अब देखिए, इंडिया है, इंडिया में अगर प्रशासन ना रहे तो बहुत सारे मैनेजमेंट जो होंगे तिकिर विकिर हो जाएंगे। बहुत सारे अपवाद भी लोग हैं जो उसको क्या डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं कि ये सब खत्म हो जाए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको तोड़ के वो लोग हटाना चाहते हैं। जब वो हट जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी तो प्रशासनिक काम ढीला हो जाएगा और जो मैनेजमेंट है वो टूट जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, प्रशासनिक कार्य करते हैं, नीति बनाते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात हो। तो सब मैनेजमेंट, अब देखिए प्रशासनिक का काम कैसा होता, मान लीजिए कोई थाना ही है, अगर प्रशासन समझ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मान लीजिए कोई थाना है, तो
जिस थाने में होगा वहाँ के SHO होंगे, SHO के अंडर में काम करने वाले SI होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे। अब सब इंस्पेक्टर हैं तो उनके अंडर में सिपाही लोग हो गए, कांस्टेबल, वो लोग काम करते हैं। जितना दिन भर का काम होगा, देखो सारा मैनेजमेंट बटा है कि नहीं, तो सारे लोग मैनेजमेंट से अपना काम कर रहे हैं, तो सारी रिपोर्टिंग लास्ट में SO साहब को देंगे कि भाई ये सब जितने का दिन भर का काम है, ये सब सारी रिपोर्टें आई हैं, ये सब करना है, तो पूरी चीज SO साहब ध्यान से देखेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। तो रिपोर्ट करेंगे तो इन सब सारी चीजें हमारा डेवलप हो सकता है, तो मैनेजमेंट हमारा क्या होगा, बरकरार रहेगा। प्रशासन का मुख्यतः कार्य प्रतिष्ठान या उपक्रम की नीतियों का निर्धारण करना। यानी प्रशासन का मुख्य जो कार्य होता है वो होता है कि जो हमारी उपक्रम चल रही है, जो हमारे औद्योगिक में कार्य चल रहे हैं, उनको क्या करें, उनकी नीतियों को हम निर्धारित करें कि भाई आपको काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो ये पेनाल्टी देना होगा, नहीं तो ऐसे जुर्माना लगेंगे। इससे बहुत सारे नियम कानून हम बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये सब नियम कानून बना के अपने ऑर्गेनाइजेशन को या अपने सिस्टम को और भी डेवलप कर सकते हैं। वित्त उत्पादन एवं विवरण में समन्वय स्थापित करना तथा क्षेत्र में संगठन का क्षेत्र निर्धारित करना, इन सब सारी चीजों को हम निर्धारित करके समन्वय स्थापित करते हैं या कोऑर्डिनेशन को बनाते हैं। प्रतिष्ठान के अगर लक्ष्य की बात करें, संक्षिप्त में अगर बात करें कि प्रतिष्ठान के लक्ष्य मतलब गोल और नीतियों के निर्धारण का मुख्य दायित्व जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन को होता है। विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी चीज नहीं कर सकता। देखो जैसे हम बताए मैनेजमेंट किसी भी फील्ड में कोई भी मानव के द्वारा जो कार्य हो रहा है वही क्या है, आपका मैनेजमेंट है। उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मान लो जैसे आप डिजिटल दुनिया में जी रहे हो, मोदी जी की दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, डिजिटल दुनिया में आप जी रहे हो, तो यहाँ पे देखो फेसबुक सारे लोग यूज कर रहे हैं। जब फेसबुक यूज कर रहे हो तो आप वहाँ पे क्या बनाए, अपनी एक आईडी बनाए हो, आप वहाँ पे एक आईडी बनाए हो अपनी, तो उस आईडी में क्या करोगे आप, तो वहाँ पे जाओगे भाई, उसको लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे जाओगे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद क्या करोगे भाई, चैट करोगे, शेयर करोगे, पोस्ट करोगे, चीज लोगों से बातें करोगे। लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन पैनल जो होता है, जो उसे डेवलप किया है फेसबुक को, जो मॉडरेटर, तो जब उन्होंने डेवलप किया है, ठीक है, जो डेवलप किया है तो वही उसके एडमिनिस्ट्रेशन हुए, तो सारी चीजों की चेंजिंग वही कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। तो काम किसका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। उनके लक्ष्य और गोल क्या क्या है उनको निर्धारित करना, सारा दायित्व किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। प्रशासन ही है जो कि संपूर्ण प्रतिष्ठान या उपक्रम को ही सही दिशा मार्गदर्शन तथा नीतियों का बोध कराता है। अगर प्रशासन ना रहे तो मान लो प्रशासन ना रहे, चलो अच्छा हम ट्रैफिक की बात कर लेते हैं। अगर जिस दिन प्रशासन नहीं होता या उस चौराहे पर प्रशासन नहीं है तो लोग कितना ज्यादा भीड़ लग जाती है वहां पे, इतना ज्यादा भीड़ लग जाता है कि वहां पे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो कोई मान लो गोला होके पार होना है, तो कोई इधर से ही पार हो रहा है, तो कोई उस साइड से पार हो जा रहा है, तो कोई गोले को क्रॉस होके नहीं हो रहा है, जो जिधर से इच्छा वो तिधर से। तो उसमें देखो बहुत सारे जब मैनेजमेंट उनकी गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। जिसका इच्छा जिधर से नहीं तिधर से जा रहा है तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता है उसमें। ये सब सारा काम जो है वो किसका होता है, प्रशासन का ही होता है। प्रशासन ही है जो कि संपूर्ण प्रतिष्ठान या उपक्रम को ही सही दिशा मार्गदर्शन तथा नीतियों का बोध कराती है। जब तक प्रशासन नहीं होगा तब तक कोई दिशा निर्देश या कोई सिक्योरिटी, इन सब सारी चीजें नहीं पा सकता। तो प्रशासन का जो काम होता है वो क्या होता है, समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन का होता है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक प्रशासनिक कार्य नहीं हो सकता। देखिए कुछ विद्वानों ने प्रशासन को बहुत ही सुसज्जित ढंग से या निम्न प्रकार से परिभाषित किया है।
हमारे पहले वैज्ञानिक थे या विद्वान थे जयंत सुलझे। जयंत सुलझे ने बताया या इनके अनुसार हम देखते हैं, प्रशासन व्यवसायिक अथवा औद्योगिक उपक्रम की वह शक्ति है जो कि उपक्रम के उन उद्देश्यों का निर्धारण करती है। प्रशासन व्यवसायिक अथवा औद्योगिक उपक्रम की वह शक्ति है जो कि उपक्रम के उन उद्देश्यों का निर्धारण करती है, यानी एक तरह का पावर है, एक तरह की एनर्जी है, एक तरह की शक्ति है जो यह निर्धारण करती है कि उस कर्म के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे हो और वो निर्धारित कैसे हो, जिनकी पूर्ति के लिए प्रबंध एवं संगठन अत्यंत तेज है। अगर प्रशासन ने नीति अपनी बना दी तो उनके पूर्ति के लिए प्रबंध और आपके संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रत्यनशील रहे। जब तक ये प्रत्यनशील नहीं रहेंगे तब तक हमारा काम होगा नहीं, और उनका आचरण निर्धारित उद्देश्यों के अनुकूल ही होता है। जब तक हम ऐसा नहीं कर सकते तब तक हमारा मैनेजमेंट नहीं हो सकता। अब देखिए दूसरे हमारे वैज्ञानिक हैं आपके अमेरिकी विद्वान ओलिवर सेल्डर। दूसरे हमारे अमेरिकी विद्वान हैं अमेरिकी विद्वान ओलिवर सेल्डन। ओलिवर सेल्डन है, इनके अनुसार अगर हम देखें प्रशासन, इनके अनुसार देखें प्रशासन तो प्रशासन का कार्य जो होता है वित्त का उत्पादन और वितरण में समन्वय स्थापित करना, संगठन का ढांचा तैयार करना, ये सब सारा काम किसका होता है? प्रशासन का ही होता है। प्रशासन का कार्य भी जो होता है उत्पादन और वितरण में समन्वय स्थापित करना, संगठन का ढांचा तैयार करना, ये सब सारा काम किसका होता है? प्रशासन का। तो फिर से हम आपको रिकॉल कर दें कि प्रशासन का आशय और परिभाषा जो होता है, प्रशासन का जो कार्य है जैसे कोई मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो उनकी नीतियों का निर्धारण करना और उनके वित्तीय कार्य उत्पादन इन सब सारी चीजों में समन्वय स्थापित करना होता है। अगर प्रशासन ना रहे तो हमारा जो है नीति या उद्देश्य या जो हमारे कार्यक्रम है वो ढंग से पूरे नहीं हो सकते। प्रशासन का मुख्य कार्य प्रतिष्ठान या उपक्रम की नीतियों का निर्धारण करना। फिर से रिकॉल कर रहे हैं, हम आपको ध्यान दीजिए, प्रशासन का मुख्य कार्य प्रतिष्ठान या उपक्रम की नीतियों का निर्धारण करना, वित्त उत्पादन एवं वितरण में समन्वय स्थापित करना तथा संगठन का क्षेत्र निश्चित करना, प्रतिष्ठान के लक्ष्य और नीतियों के निर्धारण का मुख्य दायित्व प्रशासन होता है। प्रशासन ही है जो कि संपूर्ण प्रतिष्ठान या उपक्रम को सही दिशा मार्गदर्शन तथा नीतियों का बोध कराता है। देखिए एग्जाम्पल अगर हमने प्रशासन का मान लीजिए कोई थाना है, अगर इस थाने में अगर नीति ना बनाया जाए, कोई किसी भी थाने की बात कर लीजिए आप, अगर इसमें नीति नियम कानून निर्धारण ना किया जाए तो बहुत सारे अपमानजनक चीजें हमारे मंडल में फैल सकती है जहाँ पे हम बिलोंग कर रहे हैं। जब तक नीति और प्रशासन नहीं होगा तब तक यहाँ के मैनेजमेंट जाएंगे। मैनेजमेंट बना है, सिस्टम बना है, उसी सिस्टम पे सारा काम होगा। जब उस सिस्टम पे सारा काम होगा तो सारे लोग सही से रहेंगे और अच्छे से हमारा कार्य होगा। तो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, सारी चीजें डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरह से सारे काम होते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टार हम क्या लिखवा है, प्रशासन ही है जो कि संपूर्ण प्रतिष्ठान या उपक्रम को ही सही दिशा और सही मार्गदर्शन करता है तथा नियमों का बोध कराता है। अगर प्रशासन ना रहे तो ये सब सारी चीजें कभी नहीं हो सकती। देखिए कुछ विद्वानों ने प्रशासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। पहला देखिए हम पहले भी बता चुके हैं,
जे अंशुल्य थे, इनके अनुसार प्रशासन व्यवसायिक अथवा औद्योगिक परंपरा की वह शक्ति है, प्रक्रम की वह शक्ति है जो कि उपक्रम में उपक्रम के उन उद्देश्यों का निर्धारण करती है जिनकी पूर्ति के लिए प्रबंध एवं संगठन प्रत्याशील रहते हैं और उनका आचरण निर्धारित उद्देश्यों के अनुकूल ही होता है। तो ये बातें जो जी एम सुनजी जी थे उनके द्वारा बताई गई। नेक्स्ट है आपकी अमेरिकी विद्वान ओलिवर सेल्डन। अमेरिकी विद्वान जो थे ओलिवर सेल्डन, इनके अनुसार प्रशासन का कार्य वित्त उत्पादन एवं वितरण में समन्वय स्थापित करना है तथा संगठन का ढांचा तैयार करना। ये सब ढांचा और सारा चीज तैयार करने का काम किसका होता है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है। देखिए तो हम दूसरे टॉपिक में हम आपको बता दिए कि प्रशासन का आशय क्या है, आप तो सुन ही गए होंगे प्रशासन का आशय क्या है, प्रशासन की परिभाषा क्या है। यानी मिला के प्रशासन जो होता है वो जो हमारे कार्यक्रम है, प्रतिष्ठान है या उपक्रम है, उनकी नीतियों का निर्धारण करना, उनका ढांचा बनाना, उनके विरुद्ध जो पॉलिसी आ रही है या जो सही है तो सही है या गलत है तो उनके विरुद्ध उन नीतियों का निर्धारण करना ही काम जो होता है वो किसका होता है? प्रशासन का होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे अभी, संगठन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे संगठन क्या होता है। संगठन का आशय एवं परिभाषा, ठीक है, संगठन का आशय क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। संगठन का आशय एवं परिभाषा देखेंगे। ये संगठन होती क्या है? किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के सफल संचालन के लिए संगठन निशान आवश्यक होती है। अगर कोई व्यवसाय है अथवा उद्योग है तो उनको सफल बनाने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन करना पड़ता है। जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन या कोई कमेटी या कोई संगठन नहीं बनाएंगे तब तक जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम उच्च लेवल पे नहीं ले जा पाएंगे। इस वजह से संगठन को डिफाइन करते हैं। देखिए संगठन क्या होता है? किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के सफल संचालन के लिए संगठन का निदान। किसी भी व्यवसायिक या औद्योगिक उपक्रम में प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को प्रबंध तंत्र संगठन तंत्र के माध्यम से चलाना ही ऑर्गेनाइजेशन होता है या संगठन होता है। प्रबंध और प्रशासन को प्रभावित रूप से चलाने के लिए या क्रियान्वित करने के लिए किसी व्यवसायिक या औद्योगिक उपक्रम में व्यक्तियों का एक अच्छा और सुदृढ़ ढांचा होना चाहिए जिसे संगठन कहा जाता है। प्रबंध और प्रशासन को प्रभावित रूप से क्रियान्वयन करने के लिए, क्रियान्वयन मतलब चलाने के लिए, किसी व्यवसायिक या औद्योगिक उपक्रम में व्यक्तियों का एक अच्छा सुदृढ़ ढांचा होना चाहिए जिसे हम संगठन। देखिए हम पहले आपको इसमें जो हम सेकेंड टॉपिक लेके आए थे हमने आपको हम आज पढ़ाया क्या प्रशासन क्या होता है और दूसरा बताया संगठन क्या होता है। प्रशासन देखिए फिर से रिकॉल कर दें आपको कि प्रशासन जो होता है वो जो हमारा संगठन बना है या नीति बनी है उनका निर्धारण करना या उसको संचालित कराना या चालू कराना, यही हमारा प्रशासन होता है। उनके तमाम तरह के वैज्ञानिक थे उनके बारे में हमने बताया। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो था संगठन। संगठन क्या होता है? किसी भी कार्यक्रम को या व्यवसायिक संस्थान को सफल संचालन के लिए करना है। जैसे हम ट्रस्ट भी कहते हैं, जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी
अब तक हम चीजों को नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, संगठन है, इनके तमाम वैज्ञानिक भी हैं, उनके बाद भी हम पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, माता और माता की जय।